तो बस आज मैं आया हूँ अपने फ्रेंड के एक साइंस वाली लैब में, जहाँ पे उसने मुझे बुलाया है। आदि देख, फाइनली मैंने इतने टाइम बाद अपना न्यू इन्वेंशन बना ही लिया है, जो कि रहा ये। अबे ये क्या है यहाँ पे? ये एक AI है जिसको मैंने बनाया है, और ये कोई ऐसा वैसा AI नहीं है, ये ड्रीम जितना खतरनाक AI है, और इससे मैं पूरे वर्ल्ड पे रूल करूंगा और सबका राजा बन जाऊंगा। अबे दिन में सपने देखना छोड़ दे, मैंने भी खतरनाक इन्वेंशन बनाया है, इस वर्ल्ड का राजा तो मैं ही बनूंगा। क्या? हाँ, अरे तेरे झिंगूर से बॉट यहाँ पे कुछ नहीं, मेरे उस पावर के आगे। ठीक है चल, ठीक है एक चैलेंज करते हैं, अगले दिन हम लोग स्पीड रन करेंगे और मैं अपने 100 AI के साथ हंटर बनूंगा, और अगर तेरे ड्रैगन को मारने से पहले मैंने तेरे को मार दिया तो मैं जीत जाऊंगा और इस पूरे वर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। चल ठीक है, और अगर मैं जीता तो मैं बनूंगा इस वर्ल्ड का राजा। चल तब अगले दिन मिलते हैं, मैं जरा तैयारी करने। The next day. या आदि, आज तो समझ ले तेरा आखिरी दिन इस वर्ल्ड में। देख तेरे पास बस 1 मिनट भागने के लिए, उसके बाद मैं अपने हंटर्स को छोड़ दूंगा, और तेरा टाइम स्टार्ट होता है अब। अरे बाप रे बाप, भागो यहाँ से। बेचारा आदि, उसको पता ही नहीं है कि मेरे बॉट्स अभी क्या क्या कर सकते हैं, इसको तो इन AI की 90% ऑफ द पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गाइस मुझे आप पे जितना हो सके उतना दूर आप जाना होगा। मैंने सुना गाइस कि ये बॉट यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये यहाँ पे कर सकते लाओ के ऊपर बोर्ड क्लच, ब्लॉक क्लच, MLG और ब्रिजिंग, लेकिन उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास भी यहाँ पर एक पावर है, जो भी चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो गाइस जल्दी से अपना पहला आइटम यहाँ पे ड्रॉ करते, इधर पे जाता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करने वाला हूँ खाना। अब बात वही है, मैं खाने को यहाँ पे क्यों ढूंढूं जब मैं खाना खुद बना सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कुछ छोटे मोटे से डिजाइन और इसको कलर करना, भाई क्या मस्त लग रहा है यहाँ पे ये। एंड वेट गाइस, अब एक और चीज बनानी मुझे, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो माइनक्राफ्ट के प्रो बंदे होंगे गाइस, उनको पता होगा मैं यहाँ पे आखिर क्या बना रहा हूँ, और अगर तुम्हें अंदाजा हो गया तो यहाँ पे लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से। एंड ओके डिजाइन रेडी, यहाँ पे कलर एंड ओके, यहाँ पर बन गया। ओके ओ भाई साहब, गाइस यहाँ पर मुझे सच में मिल चुका है, और अब बस गाइस मुझे वेट करना होगा उनके आने का। वेट, ओ भाई साहब, भाई साहब क्या यहाँ पे? आदि अब तो तू गया, कहा जा रहा है? ओ नो भाई साहब, इनसे फाइट कर सकता, मुझे अब जाना होगा। ओके वेल AR, मुझे तेरी ऐसी तैसी इधर आके दिखा तो एक बार यहाँ पे। वेट भाई, यहाँ पर क्या है? बाप रे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी AI की पावर तूने देखी का है। मुझे अभी के लिए यहाँ पे छुपना होगा, यहाँ पे छुपने की जगह। यस यहाँ पे ये सही जगह लग रही मुझे यहाँ पे, लेकिन बस सही में यहाँ पर AI बहुत ज्यादा खतरनाक है, जैसा यहाँ पे स्टील ने कहा था। मैंने तो सोचा था कोई बकवास सा बॉट होगा यहाँ पे ये। ओके भाई साहब, लगता है मैंने यहाँ पे AI को कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और बाप रे बाप, क्या बारात में जा रहे हैं यहाँ पर ऐसे लाइन में। वो जब तक यहाँ पे मुझे पावर की तरह ढूंढ रहे, तब तक गाइस मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपने लिए खतरनाक वाली चीज। और गाइस बस गेस करो यहाँ पे आखिर मैं क्या बना रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से कुछ नीचे, और फिर दूसरी साइड से भी यहाँ पे नीचे, और इनको कर देना यहाँ पे कनेक्ट, और अब इसको बस पे कलर करना होगा। भाई हमारा इलेक्ट्रा पे बन गया, लेट्स गो। एंड ऑब्वियसली गाइस अपने इलेक्ट्रा को चलाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए होगा, और वो तो तुम्हें पता गाइस यहाँ पर क्या है, वो ही यहाँ पे रॉकेट। तो बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन डालनी मुझे, और इसको कर देना कलर, और यहाँ पर व्हाइट कलर डालने के बाद गाइस ये बन गया हमारे यहाँ पे रॉकेट। एंड यस लेट्स गो, यहाँ पे आ चुका है, और अब यहाँ पे बस इंतजार है उन AI के आने का, उनको तो मैं बड़े मजे से ट्रोल करूंगा। एंड वेट गाइस, वो देखो वहाँ पे मेरा दोस्त, पता उसके AI यहाँ पे कहाँ है? अबे यहाँ पे वो, जल्दी आओ सब। वेट ओ भाई साहब, वेल ओके चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं पूरा प्रिपेयर हो रखा हूँ यहाँ पे। पकड़ो भाग के ना जा पाए। आ जाओ यहाँ पे तुम सारे के सारे। ओ भाई ब्लॉक लगा कर रहे, उगे लेट्स गो। अबे तेरे पास इलाइट्रा कहाँ से आया? वेल तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे यहाँ पे, टाटा बाय बाय। कोई ना, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता तेरी इलाइट्रा से, मेरे पास भी इधर 100 AI है। वैसे भाई कितने ज्यादा डेंजरस है यहाँ पर, ये ब्लॉक लगा के आ रहे मुझे आसमान में मारने के लिए। एंड चलो गाइस तुम यहाँ पे लगे रहो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है टाटा बाय बाय। रुक जरा, कहाँ जाएगा तू भाग के, मैं तेरे को ढूंढ के निकालूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा यहाँ पर सफर बिल्कुल सही रहेगा मुझे ढूंढने का, बाय बाय। एंड ओके गाइस लेट्स गो, यहाँ पर मैं काफी ज्यादा दूर तो आ चुका हूँ, और अब बस मुझे यहाँ पे ढूंढना होगा एक विलेज। यू यहाँ पर मुझे एक विलेज मिल चुका है, लेट्स गो। और अब गाइस इस विलेज से मुझे मिल सकता खाना, रिसोर्सेस और सब कुछ, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे किसको चाहिए आखिरकार? मैं तो गाइस अभी डायरेक्टली लेके आऊंगा कस्टम आइटम, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले कस्टम सॉर्ड। तो सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे सॉर्ड का बीच वाला हैंडल, और फिर उसके ऊपर की यहाँ पे ब्लेड बिल्कुल नोकीली सी, और यहाँ नीचे, एंड देन यहाँ पे इसका नीचे पकड़ने वाला पार्ट। एंड ये लो हमारी सॉर्ड यहाँ पे रेडी है, बस ऊपर पे लिख देता हूँ गाइस कस्टम, जिससे यहाँ पे कस्टम वाली सॉर्ड मिले। एंड ओ भाई साहब, मेरे पास अभी कैसी सॉर्ड आ चुकी है, कस्टम सॉर्ड है गाइस यहाँ पर है। और चलो देखते हैं इसके यहाँ पे क्या पावर है। तो अगर मैं सॉर्ड को इसका पे यूज करूंगा तो, अरे बाप रे बाप, यहाँ पर क्या हो गया? ओ अच्छा, जिसको भी मैं सॉर्ड से मारूंगा गाइस उसके ऊपर यहाँ पे लाइटिंग आ जाएगी और हो जाएगा यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय। भाई ये सॉर्ड तो यहाँ पे सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड वेट गाइस, इस सॉर्ड के यहाँ पे एक और पावर है, जिससे गाइस मैं यहाँ पे स्पॉन कर सकता हूँ अनलिमिटेड लाइटनिंग बोल्ट्स। बाप रे बाप,
भाई ये तो बहुत मस्त चीज है, चलो अपनी ड्राइंग में वापस से जाते हैं गाइस, और इस बार यहाँ पे बनाते कस्टम पिकैक्स जो देखने में गाइस कुछ यहाँ पे इस टाइप का रहेगा, ऊपर से बिल्कुल ऐसा कुछ नुकीला नुकीला सा, और ये ऑलमोस्ट रेडी, बस साइड साइड से ब्लू वाली आउटलाइन, एंड लेट्स गो यहाँ पर तैयार है। एंड नो वे मेरे पास यहाँ पे आ चुका है जो की है यहाँ पे अल्टीमेट डायमंड पिकैक्स, और इस पे है यहाँ पे चंग 4 की इंचमेंट। ओके इट मीन अगर मैं इसको यहाँ पे तोड़ूंगा तो यहाँ पे सब कुछ टूट जाके की बारे में, यार कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है यहाँ पे। और ए सेकंड गाइस क्या होगा अगर मैं यहाँ पे नीचे माइन करूंगा तो, ओ भाई साहब पूरा चंग गायब हो गया यहाँ पे, और देखो गाइस मुर्गा हवा में उड़ रहा है। भाई इससे तो मैं अपने दोस्त को यहाँ पे ट्रोल करूंगा, लेकिन पता नहीं गाइस मेरा दोस्त अभी अपने एआई के साथ यहाँ पे क्या कर रहा होगा। आओ मेरी एआई की सेना मुझे यहाँ पे फॉलो करो। फाइनली लेट्स गो, हमें यहाँ पे एक विलेज मिल चुकी है, और अब खुद को जितना हो सके उतना स्टैक अप करो और अपग्रेड हो जाओ। उस आदमी के पास कोई तो ऐसी पावर है जिससे उसको आइटम मिल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता तुम कितने डेडली हो यहाँ पे। और आज हमारा बस एक ही गोल है, इस आदमी को खत्म करना। वेल पता नहीं गाइस के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो इसलिए गाइस प्रोटेक्शन के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ आर्मर, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, और जूतों के लिए गाइस मैं यहाँ पे बनाऊंगा कस्टम बूट्स जो देखने में गाइस कुछ इस टाइप का रहेगा, बिल्कुल रेड रेड वाला। इसके नीचे गाइस मैं पे कुछ ऐसी ऐसी लाइन बना देता हूँ जिससे यहाँ पे ऐसा लगे इस पे कोई पावर होगी। एंड चलो ये ऑलमोस्ट रेडी है, ओह गाइस मेरे पास अबे आ चुका है, लेट्स गो। तो चलो इस कस्टम बूट को यहाँ पे अपने पैरों में लगाते हैं, और देखो गाइस का मस्त लग रहा है यहाँ पे मेरे पैर के नीचे जूते। वह चलो देख भी लेते हैं यहाँ पे करता क्या है। वेट गाइस इससे मैं पे हाई जंप मार सकता हूँ, भाई क्या मस्त है यहाँ पे ये। इससे तो गाइस मैं यहाँ पे स्टील को ट्रोल करूंगा। चलो 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 सब मेरे पीछे आओ, वो पक्का सामने वाले विलेज में ही होगा, जल्दी आ जाओ, उसको तो मैं सरप्राइज अटैक करके मारूंगा। वेट ओ शिट भाई अभी तो आप ही गए। ओके भाई मैं आप यहाँ पे क्या करूंगा, अभी ये रहे पेड़ के ऊपर पकड़ो इसे। ओ नो भाई यहाँ पे ऊपर बिल्ड कर मुझे जाना होगा। ओके भाई निकलो यहाँ से। ओ भाई साहब क्या भसड़ मचा के आ रखे भाई यहाँ पे ये सब के सब। अभी रुक अब क्या भाग के जाएगा, सामने तो डेड एंड है, लेट्स गो। ओके ओ बाप रे भाई साहब रुको भाई थोड़ा शांति रखो यार, मुझे सांस लेने दो थोड़ा। क्या भाई वाटरफॉल की तरह नीचे आ रही है यहाँ पे सबके सब। रुको जरा इनको मैं यहाँ पे बताता हूँ, एवं मुझे थोड़ा आगे जाने दो, अपनी सॉर्ड का यूज करूंगा इनके ऊपर। ओके मेरे ख्याल से यहाँ पे सही टाइम है, ये सबके सब मेरे पीछे आ रहे हैं, और ये लो मैं तुम्हें ट्रैप करूंगा अपने इस गड्ढे में। लेट्स गो। ये क्या है? आप तुम यहाँ पे बचोगे नहीं। वेट ए सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे बाप रे भाई बच्चे कैसे सबके सब। ओ वेट गाइस मेरे पास अब लाइटिंग पावर है, ये लो यहाँ पे तुम। ओके यहाँ पे कुछ बंदे मरे भी हैं, लेट्स गो। वेट गाइस इनका भी बहुत हो रहा है ना, अभी दिखा दो इनका पे एक शॉट मारा और अब निकलो यहाँ से। अरे भैंस की, ओ बाप रे बाप, भाई यहाँ पे क्या हो चुका है, सारे के सारे बॉट अभी मर चुके हैं। लेट्स गो। यार आदि तुझे क्या सही में लगा कि तू यहाँ पे जीत गया है? अबे वेट इन सबको तो मैंने मार दिया था, ये सब वापस कैसे आए? मैंने कहा था ना तुझे कि तेरे को इस एआई के बारे में कुछ नहीं पता, तू उनको कितनी बार भी मार दे ये हमेशा मेरे पास ही स्पॉन होंगे, और अब रेडी हो जा मरने के लिए। वेट नहीं, और बाप रे इसका मतलब यहाँ पे कोई फायदा नहीं होने वाला, भले मैं इनको अब कितनी बार भी मार दूं, मुझे अभी के लिए यहाँ पे छुपना होगा, मुझे यहाँ पे एक प्लान की जरूरत है जिससे मैं इन सबको यहाँ पे एक ही बार में टिपका दूं। यार ऐसा क्या होगा क्या होगा? वेट मेरा पेंट ब्रश। हाँ गाइस मेरे पास अब एक आइडिया है, एक काम करते हैं इस बार यहाँ पे डायरेक्टली बनाते हैं यहाँ पे टोर्नाडो को, और इससे क्या होगा गाइस स्टील के साथ साथ उसके एआई भी यहाँ पे तूफान में फंस जाएंगे, तो मुझे इसको यहाँ पे जल्दी बनाना होगा क्योंकि यहाँ पे आने वाला जस्ट। ओके इसको यहाँ पे कर देते कलर जल्दी से, एंड हो भाई बिल्कुल तूफान जैसे लग रहा हो, और थोड़ा बाहर बाहर से आउटलाइन जिससे ऐसा लगे यहाँ पे बहुत डेंजरस टाइप का है। अरे इधर आओ यहाँ पे ये। अबे नहीं ओ बाप रे शिट शिट, अरे भैंस की आंख क्या है यहाँ पे ये। अबे भाई कब आएगा टोर्नाडो मुझे बचाने। वेट यस टोर्नाडो आ गया। अभी यार ये क्या हो रहा है, यहाँ तूफान कहाँ से आ गया? टोर्नाडो आ चुका है यहाँ पे गाइस, सारे ब्लॉक्स यहाँ पे हवा में उड़ रहे ऊपर से, और अब तो टोर्नाडो स्टील और उसके एआई की यहाँ पे चटनी बना देगा। और भाई मैं यहाँ पे हवा में उड़ रहा हूँ भाई, सारे ब्लॉक्स भी हवा में उड़ रहे हैं लिटरली, और अभी मैं टोर्नाडो से दूर आ चुका हूँ भाई, यहाँ से देखने में तो कुछ अलग ही लग रहा है। एंड क्यों ना गाइस अभी मैं यहाँ पे वापस से जाता हूँ अपने पेंट ब्रश में, और इस बार गाइस मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक मीटरॉइड। सबसे पहले यहाँ पे गोला और उसके आसपास ऐसे ब्लू ब्लू सी आग निकलती हुई, और साइड साइड से गाइस एक लाइट वाला ब्लू कलर जिससे ऐसा लगे यहाँ पर बहुत तेज से मूव कर रहा है, और बाहर से थोड़ा बहुत डिजाइन। एंड चलो गाइस अब यहाँ पे रेडी है। वेट ये आवाज कहाँ से आ रही है? अबे ये क्या रहा है आसमान से? ओ नो ये तो हमारे ऊपर ही आ रहा है। ओ भाई साहब मीटर ने क्या कर दिया इस इलाके का, यहाँ पे भाई पूरी जगह यहाँ पे तबाह हो चुके, बिल्कुल एक सर्कल सा बन चुका है यहाँ पे। वेल गाइस यहाँ पे कोई चांस बनता है नहीं कि स्टील नहीं यहाँ पे सर्वाइव करा होगा यहाँ पे मीटरॉइड, पक्का गाइस वो यहाँ पे मर चुका होगा। अबे आदि तेरे को क्या सही में लगा कि तू इतने इजीली मार देगा मेरे को?
मेरी AI पूरी इमोर्टल है तेरे इस चिंदी से मीटियोर के सामने। जब तक ये मेरे आसपास है तू मुझे मारना तो छोड़, छू भी नहीं पाएगा। और तुझे क्या लगा मेरे AI इतने कमजोर है यहाँ पे? ये बेचारे तो अब तक बस तेरे को हाथ से मार रहे थे, लेकिन अब इनके पास आ चुकी है सॉर्ड और अब तू गया। वेट, अबे सही में सॉर्ड के साथ इस बार यहाँ पे? ओह शिट, मुझे ऐसे भागने को जल्दी। उल्टा मीन 100 के 100 AI के पास अब सॉर्ड भी आ चुकी मुझे मारने के लिए। ओह शिट, मैं गया। बाप रे, मेरा टोटम भी गया यहाँ पे। भाई भागो भागो भागो, जल्दी 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 जल्दी। ओके, मैं काम करता पहाड़ के ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे इनको आने में टाइम लगेगा। और ओ शिट भाई, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे क्या सब जल्दी से कोई ऐसी चीज बनानी होगी अपने लिए जो मुझे यहाँ पे इस सिचुएशन में बचा पाए। और मुझे पता गाइस यहाँ पर चीज क्या है, वो है यहाँ पे पोशन। बस यहाँ अंदर से ब्लू कलर और इसके ऊपर पे लिख देता हूँ गाइस इनविजिबल वाला पोशन। यस, ये मेरे काम आएगा यहाँ पे। मेरे पास अब आ चुका है इनविजिबिलिटी वाला पोशन। यस, अरे ये रहा यहाँ पे ये। नहीं, ओके भाई भागो 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 भागो, मुझे यहाँ पे परफेक्ट टाइम चाहिए इस चीज को यूज करने का। ओके भाई जल्दी जल्दी जल्दी, उनका पे टाइम लग रहा है आने में। यहाँ पे पोशन को पीता हूँ और आर्म उतारो जल्दी। भाई रुक जा, कहाँ तक भाग के जाएगा, अब तो तू गया। अरे बाप रे बाप रे बाप, अबे कहाँ गया ये, इसको जस्ट अभी मैंने अभी देखा था, इतनी जल्दी कहाँ भाग गया? वीर भाई सही में, भाई मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकता, मुझे ढूंढ नहीं पा रहा भाई। पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे गायब हो गया, वो भी कुछ सेकंड्स में। अरे बाप रे, बंदे तो मेरे आसपास से घूम रहा है। वीर भाई सही में, क्या मैं यहाँ पे बच चुका हूँ क्या? ओ वेट, चलो मैं अपने सीक्रेट प्लान में काम करता हूँ। सारे AI मेरे पीछे आओ, हमारी सीक्रेट जगह में। वेट, ओ भाई साहब, क्या है ये यहाँ पे, बरा जा रही जैसे यहाँ पे। वेल ऑलराइट गाइस, मैं यहाँ पे बच चुका हूँ और पता नहीं भाई वो AI यहाँ पे कहाँ चले गए स्टील के पीछे। वेल छोड़ो गाइस, मैं यहाँ पे बच चुका हूँ वही बड़ी बात है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कहाँ चले गए, कहीं मेरे खिलाफ यहाँ पे कोई साजिश तो नहीं रख रहे। और यार मुझे आप इनका पीछा करना होगा पता लगाने के लिए, लेकिन वहीं पे भाई पकड़ लेंगे मुझे आसानी से। वेट गाइस, मेरे पास अब एक आइडिया है चीज के लिए। अगर गाइस मैं यहाँ पे अपने कैनवस में जाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कि मुझे यहाँ पे बी बनना है, तो क्या मैं यहाँ पे बन जाऊंगा? चलो एक बार ट्राई करते हैं, मैं यहाँ पे बी की ड्राइंग बनाता हूँ। उसकी आंखें सामने से कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की, और अब बस इसको कर देना पे कलर ऐसे ऐसे, और यहाँ साइड में थोड़े पंखुड़ियां टाइप के जिससे यहाँ पे उड़ पाए। एक सेकंड, यहाँ पे क्या हुआ? वेट, ओ गाइस मैं पे बी बन चुका हूँ। भाई क्या मस्त है यहाँ पर ये, मैं यहाँ पे हवा में भी उड़ पा रहा हूँ ऊपर से, बिल्कुल बी की पावर आ चुकी मेरे पास यहाँ पे। और अब गाइस अगर मैं इनके आसपास यहाँ पे घूमूंगा भी तो उनके यहाँ पे पता लगने वाला कि आखिर मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखो भाई चिंदी से बोर्ड को, मैं इनके यहाँ पे जस्ट ऊपर ही, उनको पता भी नहीं मैं यहाँ पे हूँ, पता नहीं वैसे यहाँ पर जाकर है आखिरकार। और यहाँ पर देखो जरा स्नूप को भी कुछ पता होता नहीं कि मैं इसके आसपास ही घूम रहा हूँ। वेल चलो गाइस, मैं आप इनको फॉलो करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं आखिरकार। वेल लोके, मैंने इनको फॉलो तो करा, लेकिन भाई ये मैं यहाँ पे कहाँ आ चुका हूँ? गाइस यहाँ पर एक टनल से बनी हुई है अंडरग्राउंड, और सारे के सारे AI इस टनल के अंदर भाग चुके हैं। वेल पता नहीं भाई इसके अंदर यहाँ पे है क्या आखिरकार, कहीं यहाँ पे सीक्रेट बेस तो नहीं है। वेल चलो गाइस, अंदर यहाँ पे चले जाते हैं और देखते भाई यहाँ पे आखिर चल कर आखिरकार ये स्टील मेरे खिलाफ आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है। ओके यहाँ पे लैडर से नीचे जाते हैं, यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे क्या है? Yeah, finally मेरा एम्पायर बिल्ड हो गया, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ओए सभी बोट्स अपने हाथ पैर चलाना शुरू करो और माइनिंग करो जल्दी से। चलो देखते हैं कितने डायमंड्स माइन करे इन लोगों ने। भाई साहब इतने सारे डायमंड्स और गोल्ड, ये आखिर आकाश रहा है, ये सब कैसे बोट माइन कर रहे हैं यहाँ पे? वेट वेट वेट, मुझे इसका भी चेस्ट। बाप रे, इतना सारा आयरन, इतना सारा गोल्ड और डायमंड भी, व्हाट लिटरली यहाँ पे ये और इसके बॉट यहाँ पे स्टैक अप हो रहे मुझे मारने के लिए सही में। अच्छा तो यहाँ पे अपने सारे 100 बॉट्स यहाँ पे माइनिंग करवा रहा है अपने लिए, जो इसके लिए यहाँ पे सारा गोल्ड डायमंड और सारे रिसोर्सेस माइन कर रहे हैं। यार लिटरली यहाँ पे तो मजदूरी करा रहा अपने बॉट से, क्या चालाक बंदा यहाँ पे ये। ओए बॉट यहाँ क्या कर रहे है कोने में, जाके काम कर। अबे यार ऐसे खराब हो गया, तू मेरे लिए यहाँ पे यूजलेस है, चल मर यहाँ पे। वीड भाई इसने अपनी बॉट को यहाँ पे मार दिया। एंड लेट्स गो, अब मेरे पास सब कुछ है यहाँ पे आदि को मारने के लिए। सभी के सभी ये लो यहाँ पे डायमंड्स और अपने लिए आर्मर बनाओ। बहुत बढ़िया, मेरे सारे ये यहाँ पे रेडी है वॉर में जाने के लिए। अब तो आदि यहाँ पे गया, आज इस आदि का यहाँ पे गेम खत्म हो के ही रहेगा। अरे बाप रे बाप, भागो यहाँ से, अगर इनको पता लगा मैं यहाँ पे इनके एरिया में और को भाई, तब तो मेरी चट्टी बनना यहाँ पे पक्का है। मुझे गाइस अब जल्दी से इस एरिया से बाहर निकलना होगा, अब इसके बॉट डायरेक्टली मेरे पे अटैक करने वाले हैं। पर सीरियसली यार यहाँ पे बंदा पूरा वार के लिए प्रिपेयर हो रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा। वेल ओके गाइस, मुझे जगह से भाग के काफी ज्यादा दूर तो आ चुका हूँ। वेट व्हाट, अबे वो यहाँ पे क्या है? एक सेकंड, व्हाट भाई, ऐसा घर मैंने आज तक माइनक्राफ्ट में कभी देखा नहीं है, यहाँ पे क्या है? एमराल्ड और गोल्ड से बना यहाँ पर एक घर। वेट, कोई नया अपडेट तो नहीं आया माइनक्राफ्ट का? गैस का मुझे एक बार इस घर के अंदर जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए कि वहाँ पे आखिर है क्या, क्या पता वहाँ पे कुछ खास हो, लेकिन क्या पता यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो, मुझे बहुत सस्पिशियस भी लग रहा है। वेट अबे यहाँ पे क्या है? नो वे भाई, मुझे लग रहा था यहाँ पे ट्रैप होगा। नो मैं फंस चुका यहाँ पे। नो भाई किसने करा यहाँ पर, कौन है? वेट स्टील विंग, तू यार आदि, अब तो तेरा गेम खत्म हो चुका है, अब तो धीरे धीरे करके इस ट्रैप में मरते जाएगा। तो तूने बनाया यहाँ पे ट्रैप,
ओ नो, नीचे लाओ, मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। शिट, मैंने अपनी आधी एआई की सेना को यहाँ पे बस ट्रैप बनाने के लिए रखा था, एंड गेस व्हाट, ये यहाँ पे काम भी कर गया और तू यहाँ पे फंस गया इस ट्रैप में, और अब हम सब मिलकर तेरी मौत का तमाशा देखेंगे। वेट, नो वे भाई, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता, मुझे अब कुछ करना होगा जल्दी से जल्दी। और बाप रे, मैं क्या करूँ, मैं नीचे लॉ में करूँ धीरे धीरे। ओह वेट गाइस, मेरे यहाँ पे ड्रॉइंग, हाँ देखता हूँ उससे आप कुछ होता क्या। यहाँ पर लिखता हूँ सुपर पावर जो मुझे यहाँ पे बचा पाए। और चलो भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई होप यहाँ पे काम करेगा प्लीज। लेकिन भाई मैं यहाँ पे लॉ में नीचे गिरने वाला हूँ। ओह शिट भाई, मैं यहाँ पे गया, सिर्फ गर्दन बची मेरी यहाँ पे। नो, मैं गया। वेट, अबे वेट, अबे ये क्या हुआ, मैं यहाँ पे कैसे पहुंचा? अबे ये यहाँ पे क्या हुआ, स्टील यहाँ पे नीचे लाओ में क्या कर रहा है? अबे तू मेरी जगह में क्या कर रहा है वहाँ? वेट, मैं तेरी जगह में पहुंच गया। ओह गाइस, मैं समझ गया, ये यहाँ पे कैसे उस ड्राइंग की पावर है, उसने मुझे अभी बचा दिया। उस ड्राइंग ने गाइस अब सारे स्टील के जगह को मेरी जगह से रिप्लेस कर दिया, और उससे आप उसके बॉडी भर के सारे। या लेट्स गो, तुमने ट्रैप यहाँ पे फंस चुका है, अब तो तू यहाँ पे गया बेटा। भाई रुक जा, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वैसे यहाँ पे कितना ज्यादा मजा आ रहा है तुझे यहाँ पे अपने ट्रैप में मरते हुए देखकर। भाई यही रुक, तू मेरी एआई की सेना आ रही है तेरे को मारने के लिए इधर। अरे जब तक तेरे बॉट यहाँ पे आते तब तक मैं पे भाग भी चुका हूँ। टाटा। एंड चलो गाइस, मैं भाग भाग के काफी ज्यादा दूर तो आ चुका हूँ, और इस बार गाइस मैं अपना फाइनल आइटम ड्रॉ करने वाला हूँ। वेल, सबसे पहले तो मुझे एक जगह ढूंढनी होगी जो कि रहे यहाँ पे ये, और अब गाइस मैं यहाँ पे बनाऊंगा एंड पोर्टल और आई एफ एंडर। एंड ओके गाइस, चलो बनाते अपना एंड पोर्टल यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3, और आई एफ एंडर लगाई। एंड चलो गाइस, अब यहाँ पे कूदते हैं, लेट्स गो। एंड ओके गाइस, मैं पे आ चुका हूँ, मुझे अब जल्दी से ड्रैगन को मारना होगा, इससे पहले स्टील अपने बॉट के साथ यहाँ पे आ जाए। और इस बार गाइस वो और उसके बॉट यहाँ पे पूरे डायमंड आर्मर में आने वाले। वेट, अरे बाप रे बाप, बच गया यहाँ पे मैं। वेल ओके, चलो भाई मैं ऊपर पहुंच तो चुका हूँ। चलो चलो सब जल्दी आओ, ड्रैगन यहाँ पे मरना नहीं चाहिए, ढूंढो उसे, यही पे होगा वो कहीं छुपा हुआ। ओ वेट, इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया यहाँ पे। वेट, अरे बाप रे, इसके बॉट पे आ भी चुके, वो भी पूरे डायमंड आर्मर सॉर्ड में। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? वेट गाइस, मेरे पास अब एक आइडिया है, मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज बना सकता हूँ जिससे मैं इन सबका यहाँ पे खात्मा कर पाऊंगा एक ही बारी में। और मुझे नहीं पता गाइस, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे इलीगल चीज है इसको बनाना। इसको बनाने के लिए यहाँ पे बनाना होगा क्यूब, और यहाँ ऊपर से देना पड़ेगा डिजाइन टाइप का कुछ जितना मुझे याद है यहाँ पे। और अब इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, और प्लीज भाई यहाँ पे काम कर जाए प्लीज। एंड ओके, लड़से के यहाँ पे काम करता है भाई साहब। गाइस मेरे पास पे आ चुका कमांड ब्लॉक, यस। और अब जो चीज गाइस मैं पे करने वाला हूँ, उससे साथ से पूरा एंडर डायमेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई बात है गाइस, अभी मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं, मुझे आप इसको करने होगा। तो ओके, कमांड मैंने यहाँ पे डाल दिए। एंड नो, अभी भूरा वो टावर के ऊपर, जाओ पकड़ो उसे जल्दी। ओ शिट, बाप रे, यहाँ पे तो डायरेक्टली मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे अभी जल्दी से करना होगा चीज को। इस बार गाइस मैं पे बनाने वाला हूँ कैनवस में एक लीवर। एंड ओके भाई, यहाँ पे आ चुके ऑलमोस्ट, यहाँ पे कमांड ब्लॉक में से लगाओ और एक्टिवेट। ओके, यहाँ पे हो गया। एंड वेट, ये पूरी जगह टीएनटी में कैसे कन्वर्ट हो गई? भाई साहब, पूरा यहाँ पे एंडर डायमेंशन टीएनटी में बदल चुका है, मुझे अभी जल्दी से ऊपर टावर करना होगा, इससे पहले मैं भी इनके साथ अभी मर जाऊं। एंड ओके, मैं यहाँ पे आ चुका टॉप में, और भाई सारे बॉट यहाँ पे नीचे। और अब गाइस अभी टाइम आ चुका फाइनल मूवमेंट का, इस बार मैं यहाँ पे लास्ट चीज ड्रॉ करूंगा जो कि है गाइस यहाँ पे एक फायर बॉल, और मुझे इसका अभी जल्दी करना होगा क्योंकि अभी बॉट भी तेज से मेरी तरफ आ रहे हैं। एंड ओके गाइस, यहाँ पे फायर बॉल आ चुका है, और अब यहाँ पे टाइम आ चुका दुनिया को तबाह करने का। एंड लेट्स गो। Here we go again. अरे बाप रे बाप, यहाँ पर क्या हो गया? ओह, पूरा एंड यहाँ पे तबाह हो चुका है, लिटरली सब कुछ अभी गायब हो चुका है पूरा। एंड वेट गाइस, उनके साथ साथ यहाँ पे ड्रैगन भी मर चुका है, देखो वहाँ पे एंड पोर्टल खुल चुका है। भाई साहब, इसका मतलब मैं यहाँ पे चैलेंज को जीत चुका हूँ, लेट्स गो। और गाइस, अगर तुमको टीएनटी वाला सीन यहाँ पे मस्त लगा, देन यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और साथ में गाइस कमेंट में रेड हार्ट स्पैम कर देना बिल्कुल। एंड चलो गाइस, अब कूदते हैं यहाँ पे एंड पोर्टल में, लेट्स गो।